जरी डायरेक्टरेट पर हमले की FIR थाना CTD में दर्ज कर ली गई है। इंस्टीट्यूट टाउन की मौजूदियत में दर्ज की गई FIR में कत्ल, इकदाम कत्ल, दहशत गर्दी और दीगर दफात शामिल की गई है। हमलावर के जरिए इस्तेमाल रक्षे का 66 नंबर हासिल कर लिया गया है, जिसके जरिए मालिक की तलाश जारी है। इस बात की भी खोज लगाई जा रही है कि हमलावरों ने बुरके कहां से खरीदे। हमला आवरों की आमद का रूट जानने के लिए CCTV कैमरों से फुटेज हासिल कर ली गई है। दहशतगर्दों के DNA के नमूने टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए हैं। खैबर टीचिंग अस्पताल और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में इस वक्त 12 जख्मी के इलाज है। अभी फिलहाल 7 पेशेंट्स हैं जो एडमिटेड हैं, उनमें से किसी की भी कंडीशन क्रिटिकल नहीं है। जितने भी कल से अभी तक मरीज़ लाए गए हैं, उन सबको मेडिकेशन हर चीज़ फ्री में हुकूमत की तरफ से और हस्पताल की तरफ से मिली है। दूसरी जानब हमले के वक्त डायरेक्टरेट में वाक़ हॉस्टल के आकब में वाक़ घर में हॉस्टल वार्डन अपने हलिहाने समेत फंस गए थे, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने रेस्क्यू किया। तो एक बुलेट लगी है, वो इस कमर पे लगी है। लोगों ने कहा, पे लिख दिया कि हम लोग को बचाओ और बाहर फेंक दिया और पुलिस आ गई और ये दरवाजा तोड़ दिया और हम लोग को बाहर निकाल दिया। जरी डायरेक्टरेट को गैर मुइना मदद के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि हॉस्टल भी खाली करवा दिए गए हैं। कैमरामैन कमर फराचा और असदुल कमर के साथ मुसरतुल्ला, दुनिया न्यूज़, पेशावर।